हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और अभी भी मैं एग्जीक्यूटिव कार बैंक में आया हुआ हूँ जो कि G8 में है। और अब जिस कार का रिव्यू होगा वो है जी टोयोटा फील्डर। ये सिल्वर वाली जो कार है ना, इसका रिव्यू करेंगे फरहान भाई। और आप चलते हैं जल्दी से फरहान भाई की तरफ, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आपको भी इस कार के बारे में जल्दी से पता चले और मुझे भी पता चले, ताकि मैं सीख सकूँ और मैं भी कार्स का रिव्यू कर सकूँ। अच्छा फरहान भाई, इस कार के बारे में बताएं। ये छोटा फील्डर है, हाइब्रिड गाड़ी है। ये 1.5 इंजन है इसका। अभी ये जो मॉडल है ये मॉडल 16 है। अगर आप 14 में जाएंगे या 15 में भी जाएंगे तो 14 में बेसिकली कहने के 14 के एंड में जो ना ये चेंज हुई थी तो फिर ये शेप आई थी। 14 के लिए हमारे पास एक खड़ी इसकी शेप थोड़ी सी राउंड होती है, ये 16 शेप है और 98 की इम्पोर्ट है। और गाड़ी बहुत अच्छी है, ये फैमिली कार्स हैं। XUV जिसमें इसमें ट्रंक स्पेस काफ़ी है, ड्राइव के लिहाज से बहुत बेहतर है, हाइट के बाद वजह से बहुत बेहतर है। और इसकी प्राइस राउंड अबाउट अभी आप कहने के तकरीबन 35 के करीब है। गाड़ी एक्सपेंसिव भी है काफ़ी। और ब्रांड न्यू 35 के करीब? नहीं, ब्रांड अब इसकी प्राइस 35 है। 16 अच्छा। मॉडल है। अगर अभी 35 ब्रांड न्यू में जाता है तो 4-5 लाख रुपये आप ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। उसमें अभी ब्रांड न्यू की प्राइसेस भी वेरी करती हैं, कार टू कार वेरी करती हैं। अभी जो बाहर आपको पता है कि कह सकते हैं वीकली या मंथली आपकी कार्स की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती है, तो उसमें काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है। मैं आपको उसका हुड दिखा रहा हूँ। हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड गाड़ी, ऑलमोस्ट सबके इंजन सेम होते हैं। और कभी एक से कोई लोग पूछते हैं कि क्या होता है, मतलब ये जब भी एक सिस्टम है इलेक्ट्रिकल, ये जब चलता है तो ये आपके लिए नमी को भी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो स्पॉट्स वगैरह आपको मिलते हैं। और अगर ये गाड़ी के लिए से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हुए हों, मतलब रस्टेड हुए हों, तो डेट मीन्स के वो सी साइड की कार्स है। अभी लोग इसको देखते हैं, उसको कहते हैं कि भाई ये पानी के पास तो नहीं खड़ी गई है, ये इसकी वजह से नहीं होती। ये सिस्टम्स होते हैं जब चलते हैं तो इनमें जब पानी लगता है, नमी आती है, तो ये थोड़ी सी इस तरह की आपके पास ऐसा लगता है जैसे कोई इस पर हमारे जुबान में कहते हैं टाई वो जमी है, तो वो नहीं होती इसमें। बाकी अगर ज़्यादा होता है तो उसमें रस्टेड होगा, बहुत ज़्यादा रस्टेड होगा। अगर सी साइड की होती है तो फिर वो वहाँ पे आती है। बाकी गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी अलहमदिल्ला। तो ये माइलेज किस तरह दे रही है? माइलेज मतलब प्रियस, फील्डर, XUV, एक्वा, इन सब की माइलेज जो है ना सिमिलर है, क्योंकि 1.5 है और बहुत अच्छी गाड़ी है। मतलब हर लिहाज से आप कह लें कि आपको जो ना 20 से लेके ऑनवर्ड 34 तक 35, इवन के ऐसे लोग भी हैं जिनसे मैंने ये सुना है कि 36-37 की किलोमीटर की भी माइलेज देती है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ड्राइव, आप कितने स्मूथली कितने अच्छे तरीके से चलते हैं गाड़ी को। अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को तो फिर डेफिनेटली 25 बिलो तक की एवरेज देती हैं। और उसके अलावा ये है कि अगर आप नॉर्मल में रहते हैं तो आपको 28-26-30-34 तक भी ईजिली जाती हैं। ये ब्रदर अभी पैकेज है जी की। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं बेसिकली, जो अब आगे एक्स आती है, फिर आती है जी आती है। जी में लोग कहते हैं जी तो पुश दर्ड होती है, जी में की वाली भी आती है, मतलब जिसमें XUV में आती है। एक्स पैकेज है वो नॉर्मल विदाउट की होती है, की स्टार्ट होती है, उसके बाद आती है जी। जी की भी होती है और जी पुश दर्ड भी होती है। तो ये जिस तरह ये है, ये भी है जी की है फील्डर में। इसमें भी आप अगर ऑप्शंस देखते हैं, मल्टीमीडिया आपके पास आ गया, क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, उसके अलावा ये इसमें आती है आपके कोलिजन कंट्रोल है जस्ट बिकॉज ऑफ द रडार है, उसके बाद लाइन असिस्ट है और लाइट डिम एडजस्टेबल है। फिर आपके पास मोड्स आते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, इको मोड है, ईवी मोड है, मतलब ये सारे इसमें जो है इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। और ये बहुत अच्छी एक फैमिली गाड़ी है, मतलब हर लिहाज से कम्फर्टेबल कार्स हैं। एयरबैग्स इसमें भी हैं? एयरबैग्स इसमें भी हैं, हर गाड़ी में एयरबैग्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। एयरबैग्स ये साइड पे पिलर्स पे आते हैं, फिर इसके आपके हुड पे आते हैं, उनके काफ़ी सारी जो है उनमें आपके एयरबैग्स आते हैं। और इस कार का भी वो जो स्पेयर पार्ट्स का मसला नहीं है आपकी किसी भी गाड़ी का स्पेयर? मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द कार्स, कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो मैंने भी शायद आज तक मार्केट में एक दो बार देखी हैं, उससे ज़्यादा देखी नहीं है, तो ऐसी भी कार्स आती हैं उनके भी पार्ट्स अवेलेबल है और बेतहाशा अवेलेबल है। लोग समझते हैं कि नहीं मिलते, थोड़ी सी चीज़ को ढूंढना पड़ता है। समटाइम्स होता है कि जिस तरह अभी आपकी लोकल करोला वगैरह की कार्स हैं, करोला, टोयोटा या होंडा की बात करें आप, अगर ऐसे जैसे आपकी गाड़ी है उनके पार्ट्स आपको हर दुकान में मिलेंगे क्योंकि वो लोकल कार्स हैं,
इनकी आपको हर दुकान में तो नहीं मिलेंगी, पर ये कि मोस्ट आपकी स्पेसिस हैं जहाँ पे जगहें हैं जहाँ पे आपको आराम सुकून से ये पार्ट्स मिल जाते हैं। लाइक कि सुल्तान के खूबे चले जाएँ तो आपको पूरी गाड़ी मिल जाएगी, पार्ट्स तो दूर की बात है। इसी तरह आप मार्केट्स हैं जो उनकी उनमें चले जाएँ, पुरानी मार्केट्स उनमें चले जाएँ, वहाँ पर आपको सब गाड़ियों के पार्ट्स ईजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया, लेट्स गो। आप इसमें देखेंगे इसमें स्पेस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा। इसमें अगर आप फैमिली मेम्बर्स हैं, छोटे बच्चे भी इसी बैठ सकते हैं, आपका बहुत सारा लगेज आ सकता है। और उसके अलावा ये है कि आपको पता है कि जैसे कि जापानीज़ हर गाड़ी में फोल्डेबल सीट्स होते हैं, अगर आपके पास आप कोई ऐसा जो मतलब ज़्यादा थक जाता है या कर सकते, तो आप सीट्स को फोल्ड करके यहाँ पर छोटा सा मैट्रेस या छोटी सी कोई भी ऐसी चीज़ तलाई वगैरह कुछ भी रखना चाहें रख के आप उसे उस पर सो सकते हैं। मतलब ये इतनी कंफर्टेबल है और ये इतनी प्रॉपरली फोल्ड हो जाती हैं कि मतलब सारी ऑप्शन होते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, आप मुझे सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसी तरह ये भी है और दूसरा भी है, आपके पास पूरी एक्सपीरियंस बन जाती है। अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है या कोई ऐसी चीज़ है या मतलब बच्चे एक तीन पैसेंजर्स हैं और लगेज ज़्यादा है, आप इसके साथ एडजस्ट करके वो फिर रह सकते हैं। मतलब हर लिहाज से गाड़ियाँ एक प्रॉपरली से कहते हैं ना फैमिली कार्स हैं, वो फैमिली कार्स हैं, तो आपके पास आसानी होती है। अब इसके पास आपके पास स्पेस इसमें और भी है, इसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। नीचे आप स्टेप भी रख सकते हैं, एक बार स्पेस है, साइड में कोई चीज़ रखना चाहें टूल्स वगैरह आपने, तो आप अपने आसानी से रख सकते हैं। तो फिर इसमें कितने कलर्स अवेलेबल हैं? इसमें बहुत कलर्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, तो अभी आपके कॉमन कलर्स आप कह लें कि सिल्वर और वाइट ही है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है नहीं, तो इस लिहाज से। बाकी इसमें मतलब कलर्स तो बहुत सारे आते हैं, आप कहेंगे नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, ब्लैक, वाइट, थोड़े डार्क कलर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, इसमें ब्राइट कलर्स मैंने नहीं देखे। तो ये थी जी टोयोटा फील्डर, मुझे तो इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त लगे और इस शोरूम की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।